अस्सलाम नाज़रीन, मैं सो मेज़बान दिलपसर माताव चौधरी दसो तकने पे हो अपना पसंदीदा चैनल दिलेज़वर। नाज़रीन, अज अस मौजूद हाँ मकबूल बट शहीद चौक डडियाले मकाम पर, जिथे कंवल मजलूम की इंसाफ दिलाने वास्ते रैली ने इनकाद किया गया, जेके एन एस एफ ने तरफों एहतजाज वास्ते कॉल दी गई। इतने माड़े पिछे तकी सकने धरना भी जारी है, तो इतने रैली भी कटी गई है, उसने भी मनाजर दसा। जवानियां लुटाएंगे, जवानियां लुटाएंगे, मर जाएंगे,
कमल मतलूब की इंसाफ दिलाने वास्ते किया गया, लेकिन गल फिर उही है कि रैली ना इंसाफ कमल की लपसी की हाँ लपसी जो आवाम घर बैठी भुली जासी गलों की तो किस तरह उस कमल बेचारी की इंसाफ लपसी, जो लोग कुछ गरीब नहीं बच्ची की अपना नहीं समझ लगे तो किस तरह उस बच्ची की इंसाफ लपसी, ये तुसानी क्या जिम्मेदारी नहीं है कि जेरे ये वीडियो तकन लगे हुए उन्होंने क्या जिम्मेदारी नहीं है कि इस छोटी बच्ची की इंसाफ लगाए तो क्या तुसा अपना हक अदा करने लगे हुए तुसा वास्तव भी इे सवाल है तो सारे वास्तव भी इे सवाल है तो दुआ करो तो मुड़ते अपना हक अदा करने वास्तव अपनी कोशिश भी करो जिस तरीके कुछ कर सको अपनी आवाज़ बुलंद करो ताकि इस छोटी बच्ची की इंसाफ लभ सके असर से वीडियो दसने लगे हुए ताकि कि बेहतर तरीके समझ सको कि अज इतने रैली ने इनकाद किया गया है उस विच की सकने हो कि कितने के बंदे सन लोग घरों बार नहीं निकले ऐसे ऐसे इस मामले की भुली जा सन जिस तरह ही मंगा कतल केस हो गया 8 साल उस बच्चे की हुई गए लेकिन उस मजलूम के हाले जो इंसाफ नहीं लभ सकया। उस तो पहले जैनब कतल केस वाक्य होया सी दुए तीए कितने वाक्य हो ही चुके लेकिन असा लोग इबरत ना किन्ने लगे हुए और इस वजह तो क्योंकि असा बहुत जल्दी चीज़ों की भुली जाने असा सिर्फ अपने आपने बारे सोचने असा मजलूमों ने बारे ना सोचने असा उन्होंने वास्ते कारोबार ना लिखने तो असा इतने रिक्वेस्ट करसा कि इस मामले पर अपनी तवज्जो दियो इसकी हल करने वास्ते अपना किरदार अदा करो। मैं मेजबान दिलजीत बात आफ चौधरी दुआ याद रखें अल्लाह सुनने वाला है।